हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के कैपिटेशन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 24 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी आपको दी जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच 7 मार्च को होगा। इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो पहली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है तो वहीं 1 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच हार के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम फॉर्म। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में तो जहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैच जीत के आ रही है तो वहीं मुल्तान सुल्तान 7 मैच जीत के आ रही है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान 4 मैच से आगे चल रही है। पढ़ते हैं ज्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं, लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का 60% देखने को मिल रहा है तो मुल्तान सुल्तान का भी 60% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 160 है तो वहीं मुल्तान सुल्तान का 155 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 220 है तो वहीं मुल्तान सुल्तान का 210 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 90 है तो वहीं मुल्तान सुल्तान का 101 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर लगभग दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच है, वेदर कैसी रहेगी तो पार्टली सन्नी रहेगी, 27.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 22% रहने वाली है, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच पे अभी तक टोटल 3 मैच खेले गए हैं जो तीनों मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच का फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 192 रन लग सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो 186 रन लगने की संभावना है। इस पिच की सर्विस की बात करें तो यहाँ पे डिफेंड करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो वो भी चेस कर सकती है, बट यहाँ पे चेस करने वाली टीम को थोड़ी सी स्ट्रांग रहनी पड़ेगी क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे स्कोर बन रहे हैं फिलहाल कुछ मैच में देखें तो, बट यहाँ पे चेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मैच काफ़ी अच्छा हो रही है, इस पिच पे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो वहीं पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ चल रही है। वहीं अगर दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो दोनों टीमें स्ट्रांग है, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे बीट भी कर सकते हैं। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोनों के बीच में मैच कितना अच्छा इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के की प्लेयर की बात करें तो एलेक्स सेल्स, कॉलिन मुनरो, आजम खान, टॉम करन। वहीं दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान के की प्लेयर की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, अकील हुसैन, डेविड मिलर, ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान सुल्तान हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।